हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबी यूट्यूब क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास नाइन्थ की मैथ की बुक से लिया गया है, एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर। मतलब इनमें से कौन सा पॉलीनोमियल है जिसका फैक्टर एक्स प्लस वन है। मतलब पॉलीनोमियल तो आपको चार दिए गए हैं, लेकिन जो जिसे आपको डिवाइड करना है, जो जी एक्स है, वो आपको एक दिया गया है, एक्स प्लस वन। पहले मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कोई भी पॉलीनोमियल होता है, जैसे मान लो एक्स प्लस वन दिया है, तो इसका इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अगर ये पॉलीनोमियल है तो इसका इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी, प्लस वन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वन। क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। तो मतलब हर इक्वेशन में एक्स के प्लेस पर आपको माइनस वन पुट कर देना। जो जीरो होगा वो फैक्टर होगा, जो जीरो नहीं होगा वो फैक्टर नहीं होगा। क्लियर बात है? यानी कि पी एक्स में एक्स की कोई भी वैल्यू अगर हम रखें, अगर वो जीरो हो रहा है तो एक फैक्टर होगा, और पी एक्स में एक्स की कोई भी वैल्यू रखें वो जीरो नहीं होगा, है ना, वो जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट फैक्टर। ठीक है, बस आपको इतना जानना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन वी गेट। देखो, जब एक्स प्लस वन एक फैक्टर है तो x के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा? माइनस वन, क्योंकि ये उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। देन पुट p इज इक्वल टू, सॉरी, p अंडर ब्रैकेट माइनस वन, कितना पुट करेंगे? माइनस वन। अब ये माइनस वन क्यों पुट कर रहे हैं? अभी मैंने बताया है आपको कि अगर जी एक्स है, जी एक्स क्या होता है? डिवाइडर होता है। जी एक्स एक्स प्लस वन दिया है तो इधर जीरो के इक्वल होता है एक्स प्लस वन। अब अगर आपको x के प्लेस पे वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको उधर भेजना पड़ेगा, मतलब x is equal to minus 1। यही माइनस वन हम पुट कर रहे हैं। कहाँ पे पुट करेंगे? जहां जहां पर x है। तो पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो ये है, ये वाला कितना है? ये वाला है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब के प्लेस पर माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस साइन है, एक्स स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस साइन है, यानी कि ब्रैकेट में माइनस वन प्लस वन। अगर आपको माइनस की कोई भी वैल्यू रखनी है तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसे ब्रैकेट में रखिए। आप देखिए, मैं आपको आप एक चीज बता दूं, अगर पावर ऑड है, पावर अगर ऑड है इसमें माइनस वन में तो साइन माइनस का आएगा, अगर पावर इवन है इसमें माइनस वन में तो साइन प्लस का आएगा। इतना बात आप समझ लीजिए। अभी देखिए, यहाँ पर जब हम इसका क्यूब करेंगे ना, माइनस वन का क्यूब, तो पावर ऐड है तो साइन माइनस आएगा, और वन का कितनी भी पावर लगा लीजिए आप, वन ही आएगा, तो वन क्यूब वन प्लस। अभी देखो, माइनस वन के पावर टू है जो कि इवन है, तो माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन इंटू प्लस वन, माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो ये वाला माइनस वन प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला माइनस वन प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी एक्स क्या हो जाएगा? पी माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो जीरो जब हो गया तो ये फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? फैक्टर हुआ। सो एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। ठीक है, किसका फैक्टर है? आप पी एक्स। तो एक आंसर तो हो गया, अब हम दूसरा आंसर देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कहता है हमारे पास? अब इसमें भी हम x प्लस वन में हमारा फैक्टर दिया गया है एक, तो x की वैल्यू माइनस वन ही आएगी, इसमें पुट करेंगे सेकंड में, यानी कि px इज इक्वल टू कितना दिया है? x रेज टू द पावर 4 प्लस x क्यूब्ड प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमें दिया गया है। इसमें हमें जहां जहां x है वहां पर पुट करना है माइनस वन, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन। देन अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले माइनस वन होगा, एक्स है तो माइनस वन होगा, माइनस वन
रेस टू द पावर फोर प्लस माइनस वन रेस टू द पावर थ्री प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस वन प्लस वन। तो पावर देखो फोर है, फोर एक ऑड होता है तो ऑड में साइन पॉजिटिव का आएगा यानी कि पॉजिटिव वन आ जाएगा। पावर थ्री है ऑड, मैंने यहाँ पे फिर देख लीजिए यहाँ पर ठीक है, माइनस वन के पावर फोर है जो कि एक इवन है और इवन के केस में पावर क्या आता है साइन प्लस का आता है। तो माइनस वन रेस्ट पावर फोर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन। यहाँ पर जो पावर थ्री है वो एक ऑड है तो ऑड में साइन माइनस आ जाता है ठीक है, जब माइनस वन का क्यूब करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा माइनस। ये देखो टू है, टू एक इवन होता है तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे माइनस वन का तो साइन प्लस वन, साइन प्लस का आ जाएगा है ना, तो वन स्क्वायर वन माइनस वन इंटू प्लस वन माइनस वन आ जाएगा और ये प्लस वन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, लेकिन ये पूरा टर्म जीरो नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर जो है वन बच जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस p अंडर ब्रैकेट माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो देन x प्लस वन इज नॉट आ फैक्टर ऑफ px ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि भाई थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको हटा देते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। Px is equal to हमारे पास दिया हुआ है पॉलीनोमियल इक्वेशन x raised to the power 4 plus 3 x raised to the power 3 plus 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है 40x is equal to minus 1 then ये है। देखो अगर हर एक क्वेश्चन का अलग अलग अपना gx देता तो हम x की वैल्यू अलग अलग पुट करते, लेकिन एक ही gx सबके लिए दिया है तो एक ही वैल्यू सब में पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर p जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस वन यानी कि माइनस वन रेस टू द पावर फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन रेस टू द पावर थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन रेस टू द पावर टू प्लस माइनस वन। तो अब देखो पावर इवन है तो साइन प्लस का ही आएगा यानी कि प्लस वन। अब यहाँ पे थ्री इंटू साइन ऑड पावर ऑड है तो साइन माइनस का आएगा माइनस वन प्लस थ्री इंटू, देखो यहाँ पर जो पावर है वो इवन है तो साइन जो है प्लस का है यानी कि प्लस वन, तो प्लस वन आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस इनटू माइनस माइनस वन प्लस वन, ये इसे कैंसिल हो जाएगा प्लस वन थ्री इनटू माइनस वन माइनस थ्री थ्री इनटू प्लस वन प्लस थ्री और ये तो आपका कैंसिल हो गया। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन फिर भी आपका जो आंसर है वो जीरो नहीं हो रहा तो ये एक फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस वन बच रहा है ना, सिंस पी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो सो एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स माने कि ये वाला ठीक है। इसी प्रकार से हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, कितना है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट टू प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस टू। आप रूट को देखकर मत घबराइए क्योंकि आपको बस एक्स के प्लेस पर ही वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन देन बी है। देखो जब आप x के प्लेस में माइनस वन पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस वन का होल क्यूब माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू, यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा प्लस अंडर रूट टू ठीक है। एक बार मैच करा लेते हैं
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू इंटू एक्स प्लस अंडर रूट टू। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वन क्यूब माइनस माइनस वन स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर हम माइनस वन का क्यूब करेंगे तो फिर हमें आंसर में माइनस वन मिलेगा क्योंकि पावर ऑड है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी इस साइन को आप कंसीडर ना करो, उसको एज इट इज राइट करो। ये अंडर ब्रैकेट माइनस वन का होल स्क्वायर है तो इसका आंसर आएगा प्लस वन। कितना आएगा? प्लस वन माइनस टू। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये एक पूरा टर्म है क्योंकि यहाँ पर इंटू साइन है तो इसका माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और वन से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो आपको यही मिलेगा, क्या मिलेगा? टू प्लस अंडर रूट, और प्लस अंडर रूट तो हमारे पास आई है टू। अगेन देखेंगे देखो, माइनस वन और माइनस टू, सॉरी माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस टू। इसको जब ओपन करेंगे तो प्लस टू प्लस अंडर रूट टू और प्लस, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये मिलेगा हमें टू अंडर रूट टू। क्या मिलेगा? टू अंडर टू। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पॉलीनोमियल इक्वेशन है ये जीरो नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? ये जो पॉलीनोमियल इक्वेशन है ये जीरो नहीं हो रही है, तो इस केस में ये भी एक फैक्टर नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, टू अंडर रूट टू। तो सिंस एक्स पी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स इन चारों क्वेश्चंस का। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को राइट डाउन कर लिया होगा और इस वीडियो को समझने में आपको हेल्प भी हुआ होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और आप लोग कमेंट करते नहीं हो यार, मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो वीडियो को कमेंट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।